गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं समझने वाला हूँ कि रिट्रेसमेंट कैसे काम कर रहा है मार्केट में। अगर एक चीज़ अगर मैंने ट्रेंड में देखी है तो मुझे क्या लग रहा है पता है, जब भी एक शार्प मोमेंटम आता है ना, उतना ही शार्प है ना एक नीचे की तरह मोमेंटम आता है। देखो ये ना बहुत दिनों से होते जा रहा है और मुझे ये नज़र में थोड़ा आया, यहाँ पर शार्प मोमेंटम आया, मार्केट पूरा इसको रिकवर करके नीचे चला जा रहा है। देख रहे हो यहाँ पर पूरा नीचे कवर हो जा रहा है। तो मतलब उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मार्केट में यहाँ पर जब भी एक रिट्रेसमेंट फास्ट कैंडल से हो रही है, मतलब क्या फास्ट कैंडल्स, मतलब जो फास्ट मोमेंटम होता है ना ये वाला, वो सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। सो सस्टेन नहीं कर रहा है मतलब क्या, उससे मुझे एक लर्निंग मिल रही है कि जब भी ऐसे मोमेंटम हो रहे हैं ना, ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मार्केट ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। अगर धीरे 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 मार्केट जा रहा है ना, तो वो क्या कर सकता है, पुल बैक करके वापस और ऊपर जा सकता है। पर जब भी एक फास्ट मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है ना, वो इतना ही फास्ट नीचे आ रहा है। सो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर पिछले वीक के ट्रेडिंग सेशन में मैंने देखा, जब मैंने क्या देखा था, यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, फिर बहुत फास्ट मोमेंटम ऊपर दिया, ठीक है, फिर वापस यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर लोग बायर्स और आए होंगे कि यार सोचेंगे कि यार ये तो मैं पकड़ नहीं पाया, चलो यहाँ और भागेगा, तो मार्केट में हम यहाँ एंटर करते, यहाँ एंटर करते, तो सब जगह एंटर किया होगा, मार्केट उतना ही तेज़ी से नीचे आया और उनका स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। सो ये ऐसा कंडीशन हो रहा है कि मतलब क्या हो रहा है कि बायर्स है ना, बायर्स उसको ललचाया जा रहा है, या तो सेलर्स को ललचाया जा रहा है। फास्ट मोमेंटम कोई पैसा लगा देता है यहाँ, तो जब मार्केट एक पॉइंट के पास पहुँच जाता है, फिर यहाँ पर है ना, जो सोच रहा था ना कि यहाँ पर एक रिवर्स होगा तो मैं बाई करूँगा, वो सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि ये जो कैंडल्स देखोगे, तो ये ऐसी कैंडल्स बनी है ना विदाउट वीक्स, ये कैंडल्स देख रहे हो विदाउट वीक्स की कैंडल बन रही है। तो इससे क्या होता है कि प्योरली है ना, लोग प्योरली अपना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर। अगर देखो या स्लो मोमेंटम होता है ना, तो बायर सेलर दोनों का पैसा लगता है, पर जब भी ऐसी मोमेंटम होती है ना, तो प्योरली पैसा लग रहा है, या तो है ना कोई बड़ी पोजीशन में एग्जिट या एंट्री कर रहा है। तो इससे पता क्या चल रहा है पता है, कि जब भी ऐसा फास्ट मोमेंटम आ जाता है, तो जो भी इंट्राडे में काम करता है वो क्या सोचता है कि यार इतना अच्छा मोमेंटम ऊपर हुआ है और ऊपर जाएगा, तो जब भी वापस यहाँ पर रुकता है, एक ब्रेकआउट बनाने की कोशिश करता है, लोग यहाँ पर एंटर होते हैं, इतना ही तेज़ी से वो नीचे आता है। लोगों का स्टॉप लॉस का होगा, यहाँ स्विंग होगा, कोई का 50% ये लेवल का होगा। सो ये इतना फास्ट है ना स्टॉप लॉस ले रहा है लोगों का। सो मुझे एक चीज़ पता चली कि जब भी एक फास्ट मोमेंटम आया ना, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही मोमेंटम है ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। जब भी फास्ट मोमेंटम एक नीचे की तरफ आई, उसकी अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर वहाँ पर ही एक मोमेंटम आएगी। तो अगर प्रीवियस डे की बात करें जाएगी, जो कि यह फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मैंने क्या ट्रेड लिया था, मैंने बाई के साइड ट्रेड लिया था। ऐसा मोमेंटम आया, मैंने यहाँ पर कहाँ पर ही एंट्री बनाया था, इसने थोड़ा साइडवेज किया और इतना शार्प मोमेंटम आया, और मैंने अराउंड यहाँ ये लेवल के आसपास मैं तो निकल गया। फिर ये एक और ऊपर बढ़ा, क्योंकि मैं तो देखो यहाँ पर जिसका स्टॉप लॉस होगा ना, वो तो यहाँ पर हिट हो गया है, ठीक है। सो मैं और ये जो मूवमेंट और ऊपर जो मोमेंटम है वो मैं नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर और कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। क्योंकि प्रीवियस डे में अगर देखोगे प्रीवियसली, तो कोई चार्ट ही नहीं है इसके ऊपर, कोई चार्ट ही नहीं है, तो मैं क्या सोचूंगा यहाँ पर अगर लोगों का स्टॉप लॉस हो सकता है, ऐसे तो नहीं होता ना, जो चार्ट में दिखता है वो स्टॉप लॉस ही होते हैं। तो इसके वजह से मुझे क्या पता चल रहा है कि जब भी एक मोमेंटम फास्ट हो रहा है और वहाँ पर से एक ब्रेकआउट या ना बाइंग का सेटअप बनेगा, तो आपको वो बाई अवॉइड करना है, क्योंकि वो बाइट नहीं, वो एक ट्रैप बन रहा है। ये कैंडल्स देख रहे हो, ये कैंडल्स देख रहे हो, विदाउट वीक कैंडल्स बन रही है, इतनी स्ट्रांग, जो कि मार्केट में यूजुअली नहीं बनती है। यहाँ पर भी देख रहे हो, फिर और बताओ तो मैं यहाँ देखो, ये कैंडल्स है ना नहीं बनती है, इतना रेगुलरली नहीं बनती है, पर अभी थोड़े ये वीक से शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे मार्केट में कोई ट्रेंड चेंज होता है ना, वो आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब ट्रेंड ख़त्म हो रहा है फिर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर हम उसको उसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, नहीं। जब मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आए और कैंडल्स देख के पता चले, तब हमें ना आइडेंटिफाई कर देना है कि ये जोन्स में ना लोग अपना असली पैसा लगा के मोमेंटम करवा रहे हैं, ठीक है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, कोई बड़ी ख़राब न्यूज़ है या तो अच्छी न्यूज़ है, लोग यहाँ पर पैसा क्यों डाल रहे हैं, ताकि लोग है ना जो नहीं ट्रेड करते हैं ना, वो भी ट्रेड करने आए कि नहीं यार मार्केट तो देखो कितना शार्प ऊपर जाता है, 10 वाला प्रीमियम सीधा है ना 500 हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, लोग है ना और अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट हो गए तो लोग और पार्टिसिपेट हो गए, और जितने नए पार्टिसिपेंट आते हैं, इतना ही सेलर्स को अच्छा होता है कि उनको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि उनको तो जो क्लासिकल पैटर्न्स होती है, डबल टॉप, फिर बोलते वो हेड एंड शोल्डर,
वो सब ट्रायंगल पैटर्न, वो सब पैटर्न्स है ना उनको मास्टर होती है। तो वो क्या करके सबसे पहले तो वही यूज़ करने वाले इंडिकेटर्स है, कोई यूज़ करना शुरू कर देंगे, कोई रैंडम इंडिकेटर्स लगाना कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोग भी अट्रैक्ट हो गए और मार्केट में और पार्टिसिपेंट आएंगे, ठीक है। सो ये ट्रेंड में मुझे अभी पता चलना शुरू हुआ है कि जब भी देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया था कोई भी, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर मैंने क्या सोचा था पता है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे जब मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तब एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मार्केट ये लेवल के आसपास मुझे बाई करने मिला तो मैं बाई करूँगा। सो क्या हुआ, मार्केट एक शार्पली फॉल हुआ नीचे, ये इतना शार्प फॉल हुआ मैंने यहाँ ही बाई कर दिया। और फिर ये कैंडल पे है ना मेरा तो 50% मेरा स्टॉप लॉस समझो 1,000 रुपये है, तो ये कैंडल एक कैंडल की वजह से मेरा 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, मतलब 50% स्टॉप लॉस के आसपास पहुंच गया था, क्योंकि फास्ट मोमेंटम था ना तो प्रीमियम बहुत हाई होते हैं। तो मुझे तो डर नहीं था ऐसा कि स्टॉप लॉस आएगा कि ना आए, हमें स्टॉप लॉस पता है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ फिर ये रिवर्स हो गया, फिर मैं थोड़ा काम डाउन हुआ कि नहीं मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज होगा। और फिर देखो साइडवेज मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, जब साइडवेज होगा ना तब वो जो प्रीमियम स्पाइक हुए होते हैं ना वो थोड़े अपने लेवल में आ जाते हैं, तो लेवल में आ जाते हैं ना तो वो उसका वो प्रीमियम है ना ऐसा मोमेंटम नहीं करता कि थोड़ा सोच समझ के वो उस मोमेंट करता है, कि ऐसा भी तो मोमेंट नहीं करता कि सीधा है ना एक स्पाइक में मेरा स्टॉप लॉस आ जाए। फिर धीरे धीरे हो जाता है ना, फिर वो प्रीमियम अपना रेंज में आ जाता है, और फिर मैं अगर ये साइडवेज रह के भी नीचे रहे ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं आएगा। सो क्या हुआ जैसे ही मोमेंटम आया, फास्ट मोमेंटम आया, मैंने यहाँ पर कहाँ पर एंट्री किया, थोड़ा साइडवेज हुआ, पर ये मोमेंटम देखो, ये इतनी फास्ट मोमेंटम से मार्केट ऊपर गया, मैंने तो यहाँ पर एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट होता है वो 150 से 170 पॉइंट होता है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो मुझे 270 पॉइंट्स ऐसे ही मिल गए थे यहाँ पर। सो मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया और मैं मार्केट से निकल गया। उसके प्रीवियस डे की प्रीवियस डे जो है थर्सडे, वहाँ पर भी बात की जाए तो मैंने क्या ट्रेड ली थी मैं बताता हूँ, मार्केट शार्पली नीचे आया, ठीक है, फिर वापस मैं मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर वापस जब ये रेंज को ब्रेक किया वापस एक फास्ट मोमेंटम शुरू हुआ मार्केट, मैं फास्ट मोमेंटम देख के सीधा बाई, और कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि देखो मैं और भी फैक्टर्स देखता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है ये रेंज पे तो सेलर्स आएंगे, फिर जब भी ऐसा इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है वो भी सेल का डायरेक्शन दे देंगे तो और सेलर्स आएंगे। तो मैंने क्या किया, ये लेवल के आसपास मैंने बाई किया होगा, ठीक है, और फिर इतना फास्ट मोमेंटम आया तो मेरा जो ये रिट्रेसमेंट समझ लो आप, ये रिट्रेसमेंट आया और मेरा यहाँ पर कहाँ पर टारगेट आ गया और मैं निकल गया। फिर देखो क्या शार्प मोमेंटम आया नीचे की तरफ, अगर मैं और रुका होता तो क्या करता, पूरा लॉस लेके चला जाता, ठीक है। सो मार्केट में ये मोमेंटम ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट बिहेवियर, मार्केट का साइकिल कुछ चेंज हो रहा है। तो अभी इससे पता क्या चलता है कि जब भी एक डायरेक्शन में फास्ट मोमेंटम करके वो जा रहा है तो हमेशा उसके ऑपोजिट ही सोचना है ट्रेड करने का। यहाँ फास्ट मोमेंटम आया तो हम बाइंग का सोचेंगे, बाइंग का सोचेंगे तो कहाँ सोचेंगे, देखो आप रॉन्ग भी हो सकते हो पर मार्केट जब भी ये फास्ट मोमेंटम लेगा तो आएगा तो आखिर में ऊपर ही। ये देखो वही दिन इतना नीचे आया और वही दिन इतना ही ऊपर गया, मतलब समझ रहे हो, ये जो सेलिंग है वो सेलिंग नहीं है, ज़बरदस्ती लोग पैसा लगा के सेल करवा रहे हैं, तुम समझ रहे हो। नीचे आया पूरा लोगों का व्यू है ना सेलिंग हो गया होगा, और जैसे लोगों का सेलिंग व्यू हो गया मार्केट ऊपर। सो इससे क्या सीखने मिल रहा है कि मार्केट है ना दो टाइप से मोमेंटम करता है, एक तो रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाता है, या तो दूसरा क्या करता है, रुको मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, एक तो रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहा है ये तो हेल्दी होता है, दूसरा क्या जितना फास्ट मोमेंटम आता है उतना ही एग्रेसिव, उससे उतने जितना मोमेंटम आता है, अगर समझो यहाँ से 100 रुपये से 200 रुपये प्रीमियम गया उतना ही वापस 100 से 200 नीचे नीचे आ जाएगा प्रीमियम। सो ये मार्केट में क्या करना है देखो ये समझना इतना ईजी है, तो अभी मॉरल बता देता हूँ मॉरल क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मार्केट को नीचे गिरना है ना तो वो क्या करेगा पता है, फास्ट गिरेगा, ठीक है, थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट करेगा और उतना ही फास्ट नीचे आ जाएगा। जब भी मार्केट फास्ट नीचे जाता है ना, मतलब क्या, ये तो देखो थोड़ा नीचे नीचे धीरे धीरे जाके जा रहे हैं, फास्ट मतलब कैसा, ऐसा मोमेंटम, जब भी ये फास्ट मोमेंटम जाता है ना इतना ही नीचे आएगा। तो आप सोचोगे यार ऐसा तो कैसे हो रहा है, नहीं मार्केट को अभी थोड़ा शर्म नहीं आ रहा है, बिना शर्म का हो गया मार्केट, कि ऐसा मोमेंटम होता है ना तो यहाँ पर जिसने भी कॉल राइट्स किए होते हैं या तो कॉल बाई किए होते हैं उनको उतना ही लॉस दे देता है, उनके स्टॉप लॉस तो निकल जाते हैं। फिर क्या करता है वापस है ना जितना गिरा होता है इतना ही मार्केट ऊपर चला जाता है, तो ऑप्शन सेलर और बायर दोनों इसमें है ना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम इतने बढ़ जाते हैं ना कि ऑप्शन सेलर मैनेज ही नहीं कर पाता है, और ऑप्शन बायर जिसने बाई किया है वो तो अच्छे प्रॉफिट में बैठा ही होगा, पर हाई प्रोबेबिलिटी जैसे कि सेबी ने बताया है 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको लॉस है ना 2,000 का देखना हो ना तो ऐसे मोमेंट के वजह से अगर उन्होंने पुट बाई किया हो तो
तो उनको सीधा 4,000 का, 6,000 का अपना लॉस की लिमिट एक्सीड हो जाती है, ऐसा मोमेंटम हो जा रहा है। सो क्या समझना है कि ऐसे मोमेंटम जब भी फास्ट आए ना, ठीक है, तो ये रिवर्सल प्लान करना है। जब भी स्लो एंड स्टडीली नीचे मोमेंटम आ रहा है ना, तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है, जो कि 0.50 मतलब क्या, ये टॉप से ये बॉटम तक, ये जो बीच में लाइन है ना, इसको बोलते हैं इसका 50%, ठीक है, 300 344 को अगर डिवाइड बाई टू करोगे ना, तो जो ये नंबर आएगा ना वो आएगा, ठीक है, जो अगर मैं बता ही देता हूँ इतना कैलकुलेट किया है तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक है ना 166 आएगा। तो यहाँ से 50% अगर ये रिट्रेस करता है ना, तो क्या होता है, जिसने भी यहाँ पर रैंडम सेलिंग किया होगा ना, वो लॉस में आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एग्जिट करना शुरू कर देंगे। तो एग्जिट करना शुरू करके तभी तुम्हें आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड का ट्रेड लेना है, जो कि है पुट की तरफ। सो जब भी मॉरल क्या है, स्लो मोमेंटम करके नीचे आएगा तब हमें रिट्रेसमेंट करना है और फिर वापस से नीचे की तरह ही व्यू करना है। जब भी फास्ट मोमेंटम ऐसा आ रहा है तो हमें डायरेक्टली रिवर्सल प्लान करना है कि नीचे आएगा, ठीक है। सो यही एक पैटर्न रिपीट होती जा रही है। अगर 10 जुलाई को भी बात किया जाए तो मैंने क्या ट्रेड किया था, इसमें मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर और नीचे आ रहा था, यहाँ पर से ऊपर गया थोड़ा, फिर यहाँ पर नीचे आया, मैंने यहाँ पर कहाँ पर है ना कॉल बाई किया, कॉल बाई नहीं मतलब पुट शॉर्ट कर दिया था, मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ अभी। तो क्या हुआ, मार्केट ये पूरा रेंज में ही रहा और ये दिन एक्सपायरी था, वेनसडे, करेक्ट, ये दिन एक्सपायरी था। तो एट द एंड जब ये लास्ट में ये मोमेंटम आई ना, मुझे अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया था, फिर वापस इतना ही नीचे आया, वापस ये ऊपर आ गया। सो मैंने ग्रीन में क्लोज किया, रेड में तो क्लोज नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ये डीके बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये तो मैनेज हो गया। पर अगर समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, ये रिट्रेस हो रहा है, इतना ही फास्ट मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, फिर जितना फास्ट मोमेंटम आया ना, यहाँ पर देखो वो थियरी मैंने बताया था ना रिवर्सल वाली, जितना फास्ट मोमेंटम आएगा इतना ही नीचे मोमेंटम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेम यही हो रहा है, ये फास्ट मोमेंटम आया, रिट्रेस हुआ और मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या, नीचे गिर गया तो वापस ये ऊपर गया ना, तो मैंने क्या सोचा कि नीचे नहीं जाएगा अभी, ये क्या करेगा, वापस ये ऊपर जाएगा और इनको परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लो मोमेंटम के साथ नीचे गया ना, तो यहाँ पर देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर्स, फिर लोगों ने ना बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ कर करके अपनी सेलिंग किया होगा यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि इनको टारगेट कर सकते हैं, पर उनको टारगेट नहीं कर पाए, उसे साइडवेज हो गया मार्केट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर उसके पिछले दिन भी देखा जाए तो मार्केट में क्या हुआ था, ये ऊपर मोमेंटम गया, ये थोड़ा साइडवेज हुआ, थोड़ा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस जब ये नीचे आया ना, ये मोमेंटम अगर आप देखोगे, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो आपको क्या लगेगा पता है, मार्केट यहाँ से तो बहुत फास्ट मोमेंटम से नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पर लोग बहुत पुट बाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉल बाई कर दिया था, जैसे कॉल बाई कर दिया था मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया, ये लेवल के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा देखो मैंने क्या बोला, यहाँ से 150 to 170 पॉइंट्स मेरा टारगेट होता है, ये 155 पॉइंट्स बन गया, मैंने आसपास ये लेवल के आसपास एग्जिट कर दिया, आराम से मेरा टारगेट मिल गया और मैं निकल गया। क्यों निकल गया, देखो सेम मोमेंटम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं पता है, आजकल मार्केट ऐसे ऐसे मोमेंटम दे रहा है ना, जो रिवर्सल होते हैं ऐसे बड़े बड़े मोमेंटम दे रहा है ना, तो लोगों को क्या लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा भी गिरा ना तो मिस आउट ना हो जाए ना, उसकी वजह से गिरते ही जाएगा, क्योंकि इतना फास्ट गिर जाता है तो लोग क्या करेंगे कि नहीं नहीं अभी तो एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर वापस फास्ट गिर गया तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा ट्रेंड अलग हो गया, ठीक है। सो मॉरल यही है कि मार्केट में क्या हो रहा है, अगर मार्केट स्लोली नीचे आ रहा है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट कर रहा है तो वो और नीचे जाएगा, ठीक है, मार्केट फास्ट नीचे आ रहा है तो फास्ट उतना ही ऊपर चला जाएगा। सेम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मार्केट स्लोली ऊपर जाएगा तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा और वापस ऊपर जाएगा, मार्केट अगर फास्ट ऊपर गया, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्लो हो रहा है, रिट्रेसमेंट आएगा और ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से फास्ट ऊपर गया वो उतना ही नीचे आएगा, ये मैंने बोल रहा हूँ, ये डेटा समझा रहे हैं, ठीक है, फास्ट ऊपर गया, फास्ट नीचे आया, ठीक है, फास्ट ऊपर गया, फास्ट नीचे आया, यहाँ पर देख सकते हो। सो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट है ना कोई ट्रेंड या तो कोई स्टाइल अपनी चेंज करना चाह रहा है। सो इससे हम अडेप्ट हो गए, उसकी वजह से मैं अभी समझ गया हूँ कि जब भी स्लो मार्केट जाएगा तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए, जब भी फास्ट मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हमारा क्या प्लान होना चाहिए। सो यही था आज का वीडियो, जिसमें मुझे समझना था कि मार्केट रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में क्या यूज़ कर रहा है और कैसा ट्रेंड बदल रहा है। सो थैंक यू।